व्हाट इज कॉलबैक फंक्शन इन जावास्क्रिप्ट? जावास्क्रिप्ट के अंदर कॉलबैक फंक्शन क्या होते हैं? हाउ टू यूज कॉलबैक फंक्शन इन जावास्क्रिप्ट? जावास्क्रिप्ट के अंदर कॉलबैक फंक्शन कैसे क्रिएट करना है? सो कॉलबैक फंक्शन जो होता है वो बेसिकली एक फंक्शन जो कि दूसरे फंक्शन के एज अ आर्गुमेंट पास किया जाए वो कॉलबैक फंक्शन कहलाता है। सो यहां पर एक लाइन हम पढ़ते हैं, यू कैन ऑल्सो पास अ फंक्शन एज अ आर्गुमेंट टू अ फंक्शन, दिस फंक्शन दैट इज पास्ड एज एन आर्गुमेंट इनसाइड अनदर फंक्शन इज कॉल्ड कॉलबैक फंक्शन। जब एक फंक्शन की कॉलिंग में दूसरा फंक्शन पास किया जाता है तो उसे हम कॉलबैक फंक्शन कहते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम एक नया प्रोजेक्ट जिसमें हम एक कॉलबैक फंक्शन को समझते हैं। तो सबसे पहले आप अपने प्रोजेक्ट फोल्डर में जाइए और यहाँ पर आप अपना एक प्रोजेक्ट बनाइए। सो यहाँ पर मैंने एक फोल्डर बनाया और यह मैंने बोला यहाँ पर जावास्क्रिप्ट कॉलबैक फंक्शन। सो जावास्क्रिप्ट कॉलबैक फंक्शन मैंने यहाँ पर फोल्डर बनाया और यहाँ पर मैं VS कोड में इसको स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहले आप कोड डॉट कीजिए और VS कोड एडिटर में आप इसको स्टार्ट कीजिए प्रोजेक्ट को। देन आप अपना टर्मिनल स्टार्ट करें। यहां से मैंने टर्मिनल स्टार्ट किया और यहां पर जो है आप अपना पैकेट डॉट जेसन बनाए, npm init dash y एंड देन सिंपल सा एक जो है ये पैकेट डॉट जेसन फाइल बनी। स्टार्टिंग फाइल हमारी इंडेक्स js है तो आप अपनी इंडेक्स डॉट js फाइल बना सकते हैं यहाँ पर डायरेक्ट इंडेक्स डॉट js। और इस फाइल को रन करने के लिए आपको सिर्फ करना है नोड स्पेस फाइल का नाम। सो आपने इंडेक्स लिखें या इंडेक्स डॉट js लिखें, सो नोड इंडेक्स करेंगे तब भी आपकी फाइल एग्जीक्यूट हो जाएगी। नोड स्पेस आई प्रेस करके टैब प्रेस करेंगे और उसके बाद पूरा फाइल का नेम आ जाएगा, उसके बाद एग्जीक्यूट करेंगे तब भी आपकी फाइल एग्जीक्यूट हो जाएगी। सो यहाँ पर मैं कॉन्सोल लॉग करवा लेता हूँ। कॉन्सोल डॉट लॉग हमने किया और यहाँ पर मैंने बोला जावास्क्रिप्ट कॉलबैक। यहाँ पर मैंने एक सिंपल सा कॉन्सोल लॉग किया और इस फाइल को मैंने रन किया तो आप यहाँ पर देख सकते हैं जावास्क्रिप्ट कॉलबैक कॉन्सोल लॉग हो रहा है, मतलब हमारी फाइल वर्क कर रही है। अब हम बेसिक हमें यह समझना है कि एक फंक्शन और उसके उस फंक्शन को डिफाइन करना और कॉल करना हम किसे कहते हैं। सो यहां पर मैंने लिखा फंक्शन डेफिनेशन। सो मैंने एक फंक्शन डिफाइन किया। फंक्शन डिफाइन करने के लिए फंक्शन फंक्शन का नाम, फॉर एग्जांपल से नेम, यहां पर से नेम किया और यहां पर जो है इसको हम कॉन्सोल लॉग करवाते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहां पर कॉन्सोल लॉग करवाया। सो यहाँ पर मैंने हेलो करवाया और यहां से मैं एक फॉर्मल आर्गुमेंट, फॉर एग्जांपल कॉलिंग करते समय मैं अपना नेम पास करूंगा। सो यहाँ पर मैंने लिखा कॉल दी फंक्शन। सो फंक्शन कॉल कैसे करते हैं, फंक्शन का नेम हमने यहाँ पर लिखा से नेम और यहां से मैंने अपना नेम पास किया और फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर हमने पास किया ओके लैब्स हमने पास किया। सो ओके लैब्स जो है यहाँ पर हमारा ये एक्चुअल आर्गुमेंट है। सो यहाँ पर एक्चुअल आर्गुमेंट हमने पास किया और यहाँ पर हमें एक फॉर्मल आर्गुमेंट हम रिसीव करना पड़ेगा। सो यहाँ पर नेम जो है, नेम इज फॉर्मल आर्गुमेंट। सो नेम हमारा यहाँ पर क्या है, फॉर्मल आर्गुमेंट। और इस फॉर्मल आर्गुमेंट को मुझे स्ट्रिंग में अटैच करना है तो दो ऑप्शन है, या तो मैं यहाँ पर बैकटिक यूज करूँ या फिर डायरेक्टली हम यहाँ पर स्ट्रिंग को कंकैटिनेट कर देंगे विद द हेल्प ऑफ प्लस ऑपरेटर। सो यहाँ पर मैंने हेलो ओके लैब्स लिखा, यहाँ पर हेलो ओके लैब्स यहाँ पर हमने लिखा और मैं इस फाइल को रन करके बताता हूँ। ये आप देखिए हेलो ओके लैब्स आ रहा है। अब यहाँ पर जो है यहाँ पर हमें लिखना है हेलो ओके लैब्स हाउ आर यू और हाउ आर यू जो मैसेज है यहाँ पर मैं लिख के बताता हूँ आपको। सो हेलो ओके लैब्स और यहाँ पर मुझे लिखना है हाउ आर यू। सो हाउ आर यू जो मैसेज है वो हमें कॉल बैक फंक्शन से यहाँ पर देना है तो आप यहाँ पर कॉलबैक फंक्शन दे सकते हैं। सो डेफिनेशन के हिसाब से अगर हम जाएं कि यदि किसी फंक्शन को दूसरे फंक्शन के आर्गुमेंट में अगर पास कर दिया जाए तो वो कॉलबैक फंक्शन कहलाता है। तो यहाँ पर मान लीजिए यहाँ पर एक कॉलिंग करते समय मैंने एक फंक्शन किया, सो से हाउ नाम से मैंने एक फंक्शन बनाया, से हाउ नाम से ये फंक्शन मैंने यहाँ पर कॉल किया है, बेसिकली ये आर्गुमेंट पास किया है। सो ये फंक्शन भी यहाँ पर हमें डिफाइन करना पड़ेगा। सो यहाँ पर फंक्शन से हाउ यहाँ पर हमने लिखा, से हाउ यहाँ पर फंक्शन हमने लिखा और यहाँ पर मैंने कॉन्सोल लॉग करवाया, कॉन्सोल लॉग हमने करवाया और इसको लिखा मैंने हाउ आर यू।
सो बेसिकली मैंने लिखा हाउ आर यू। सो बेसिकली इसमें क्या होगा कि से नेम फंक्शन के अंदर हम दो आर्गुमेंट पास कर रहे हैं, पहला आर्गुमेंट हमारा स्ट्रिंग है और दूसरा आर्गुमेंट हमारा फंक्शन है। सो जब भी किसी फंक्शन की कॉलिंग के अंदर दूसरा फंक्शन पास किया जाता है तो उसे हम बोलते हैं कॉल बैक फंक्शन। सो कॉल बैक फंक्शन बनाने के लिए आपको फंक्शन का नेम आपको कॉलिंग करते समय आपको पास करना है, और उसके बाद जब डेफिनेशन होगी तो डेफिनेशन में या फॉर्मल आर्गुमेंट में आप उसको रिसीव करेंगे और आप एक कीवर्ड देंगे यहाँ पर कॉल बैक। सो यहाँ पर एक कॉल बैक कीवर्ड आपको देना पड़ेगा। सो ये स्मॉल में मैंने कॉल बैक लिखा और लास्ट ही लास्ट में ऑपरेशन होने के बाद में आपको कॉल बैक मेथड को कॉल करना पड़ेगा। सो यहाँ पर हमने इसको कॉल किया। सो ये इस तरीके से आपको जो है इसको कॉल करना है, और हम आउटपुट इसका फ्लो को समझते हैं। आपने सबसे पहले से नेम किया, आपने देखिए दो फंक्शंस आपने डिफाइन किए, ये भी मैं कंसोल लॉग अभी यहाँ से हटा देता हूँ। हमारा मेन मोटो है हेलो ओके लैब्स हाउ आर यू प्रिंट करना है। सो हाउ आर यू यू जो है वो हमारे कॉल बैक फंक्शन से प्रिंट होना चाहिए, और हेलो ओके लैब्स हमारे से नेम फंक्शन से प्रिंट होगा। सो यहाँ पर देखिए से नेम फंक्शन की मैंने कॉलिंग करवाई, ओके लैब्स मैंने यहाँ पर जो है एज अ एक्चुअल आर्गुमेंट यहाँ पर पास किया, और सेकंड आर्गुमेंट मेरा एज अ फंक्शन है। सो किसी भी फंक्शन की कॉलिंग में दूसरा फंक्शन को पास करना कॉल बैक फंक्शन कहलाता है। सो कॉल बैक फंक्शन यहाँ पर लिया, उसको डिफाइन भी मैंने कर दिया। अब यहाँ पर जो है मेन हमें यहाँ पर ये देना पड़ता है कि उसकी डेफिनेशन के अंदर कॉल बैक कीवर्ड को यूज करते हुए कॉल बैक मेथड को कॉल करवाना है। अब हम यहाँ पर आउटपुट देखते हैं नोड स्पेस इंडेक्स डॉट जेस। सो यहाँ पर आप देखिए हेलो ओके लैब्स हाउ आर यू लिखा हुआ आ रहा है, तो डेफिनेटली जो है हमारा कॉल बैक फंक्शन पास हुआ है। यदि मैं कॉल बैक फंक्शन की कॉलिंग नहीं करूं और फिर आउटपुट देखे क्या होता है, तो देखिए इंडेक्स डॉट जेएस और यहाँ पर हमारी इसकी कॉलिंग नहीं हुई। सो यहाँ पर कॉल बैक मेथड हमें लेना पड़ेगा। क्या हम फॉर्मल आर्गुमेंट का नेम कुछ भी ले सकते हैं क्या? सो फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर एक्स वाई जेड लिया, और यहाँ पर अगर मान लीजिए मैं एक्स वाई जेड की यहाँ पर कॉलिंग कर रहा हूँ, और अब देखें कि क्या ये आउटपुट आ रहा है अभी भी। सो यहाँ पर देखिए डेफिनेटली आ रहा है। सो यहाँ पर जो सेकंड पैरामीटर है वो सेकंड पैरामीटर जो भी है वो फॉर्मल आर्गुमेंट है, और फॉर्मल आर्गुमेंट का नेम आप कुछ भी ले सकते हैं। सो फॉर्मल आर्गुमेंट की यहाँ पर आपने कॉलिंग करवा रखी है, तो इस तरीके से आपका कॉल बैक फंक्शन जो है कॉल हो रहा है। आगे चल के हम और देखते हैं यहाँ पर बेनिफिट्स ऑफ कॉल बैक फंक्शन, तो क्या बेनिफिट होते हैं। द बेनिफिट ऑफ यूजिंग अ कॉल बैक फंक्शन इज दैट यू कैन वेट फॉर अ रिजल्ट ऑफ अ प्रीवियस फंक्शन कॉल देन एग्जीक्यूट अनदर फंक्शन। इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल जो बेनिफिट होता है वो ये होता है कि आप रिजल्ट के लिए वेट कर सकते हैं जब तक कोई दूसरा फंक्शन आपका एग्जीक्यूट ना हो जाए। सो एक एग्जाम्पल यहाँ पर हम देखते हैं कि ये पूरा एग्जाम्पल हमने यहाँ पर लिया और इसको मैंने कॉपी किया और आप यहाँ पर पेस्ट किया मैंने, तो देखिए से नेम नाम का फंक्शन दो बार हो गया है, तो इसको मैं बोल देता हूँ से नेम टू, और ग्रीट नाम का फंक्शन है। सो यहाँ पर ये होगा, यहाँ पर से नेम टू नाम के फंक्शन में मैंने जॉन पास किया, या फॉर एग्जाम्पल मैंने अनिल पास किया। सो अनिल यहाँ पर फॉर्मल, ये यहाँ पर तो है एक्चुअल आर्गुमेंट, सो ये हमारा एक्चुअल आर्गुमेंट है, और यहाँ पर हमारा नेम जो है नेम इज फॉर्मल आर्गुमेंट, यहाँ पर फॉर्मल आर्गुमेंट है तो नेम प्रिंट हो जाएगा। और कॉल बैक फंक्शन में सेट टाइम आउट जो है हमारा जावास्क्रिप्ट का एक बिल्ट इन फंक्शन है जो कि टाइम पीरियड में किसी भी मेथड को एग्जीक्यूट करने के काम आता है। तो यहाँ 2000 मतलब 2 सेकेंड, ये 2 सेकेंड है बेसिकली। सो यहाँ पर मैं कमेंट करके लिख देता हूँ, सो सेकेंड पैरामीटर यहाँ पर मिली सेकेंड होता है, और फर्स्ट पैरामीटर यहाँ पर फंक्शन का नेम है कॉल बैक फंक्शन का। सो ग्रीट नाम का एक फंक्शन हमने बना रखा है, ये देखिए ग्रीट नाम का एक फंक्शन हमने बना रखा है, और ये बेसिकली हमारा है कॉल बैक फंक्शन है। अब आप देखेंगे सेट टाइम आउट के अंदर वो डेफिनेशन में फर्स्ट में हमें डेफिनेशन देना पड़ता है, तो वो हमने दिया इंटरनल, वो बाय डिफॉल्ट है, और यहाँ पर अगर हम एग्जीक्यूट करके देखें तो हेलो अनिल आ रहा है बेसिकली, हेलो अनिल हेलो वर्ल्ड। सो इस तरीके से जो है हमारे सेट टाइम आउट फंक्शन के अंदर भी हम अपना फर्स्ट पैरामीटर हमारा कॉल बैक फंक्शन दे सकते हैं। अगर आपको अपना खुद का कॉल बैक फंक्शन बनाना है तो उसमें आपको ये करना होगा कि आप फंक्शन का नेम पास करें, और जो डेफिनेशन है उसमें आपको लास्ट ही लास्ट में उसकी कॉलिंग करनी पड़ेगी। जैसे ही आप उसकी कॉलिंग करेंगे तो आपका जो फंक्शन कॉल बैक के अंदर जो भी आपने लिखा होगा वो कोड एग्जीक्यूट हो जाएगा। सो इस सोर्स कोड को हम गिटहब पे अपलोड करते हैं। एक
नई रिपोजिटरी बनाई मैंने जावास्क्रिप्ट कॉल बैक फंक्शन के नेम से। रीडमी फाइल ऐड करें, क्रिएट रिपोजिटरी पे क्लिक करें और यहां पर जाके ये पूरा कोड लिया आपने गिटहब का। और यहां पर सबसे पहला काम है गिट इनिट किया, फिर गिट रिमोट ऐड ओरिजिन किया आपने, उसके बाद लिंक पेस्ट करें, देन गिट ऐड डॉट गिट कॉमिट डैश एम ओके, फिर लास्ट गिट पुश ओरिजिन मास्टर। और ये सोर्स कोड जो है गिटहब पे अपलोड हो गया है, उसके बाद आप जाके सेटिंग्स में जाके मास्टर ब्रांच सेट करेंगे ब्रांचेस। एंड जावास्क्रिप्ट कॉल बैक फंक्शन वाले इस पूरे यूआरएल पर आप वेट करेंगे तो पूरा सोर्स कोड जितना भी मैंने लिखा है ये आपको मिल जाएगा।